कांग्रेस के राज में मंत्री जी एमएलए होते थे, तब उन्होंने सबसे पहले ट्रोमा सेंटर होना चाहिए। आप उसको 5 साल हो गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री है, ट्रोमा सेंटर की अब बात खत्म होगी क्या? जब कांग्रेस सरकार होती है तो शोर मचाते हैं कि ये होना चाहिए। अब 5 साल में आपने क्या किया? एक तो बता दो कि एक आपने अच्छा काम किया। मंत्री जी के घर से 100 मीटर की दूरी पे जो हॉस्पिटल है उसका अगर ये हाल है तो बाकी हॉस्पिटलों का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कैसा हाल होगा। ये देखो आप, मैं कहता हूँ कहीं दुनिया में नहीं होगा ऐसा कि महिलाएं और पुरुष एक ही वार्ड में दाखिल। यही एक नई इन्होंने कार्ड गड्डी है, नया ही एक सिस्टम बना दिया कि एक ही वार्ड में महिलाएं और पुरुष एक ही वार्ड में इलाज कराएं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 50 बेड का आपने हॉस्पिटल बना दिया, घोषणा करवा दी, उस बात को आज 1 साल हो गया, अभी तक एक बेड भी नहीं लगा वहां पे। आप, मैं पूछना चाहता हूं कि कब लगेगा ये, कब होगा ये 50 बेड का? देखिए, धर्मपुर जो हॉस्पिटल है, मुझे तो लगता है कि एक वो तो हॉस्पिटल है ही नहीं, वो तो सिर्फ यहाँ से केस आगे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, वहाँ पे तो किसी भी चीज़ का कोई भी इलाज नहीं होगा। और जो प्रॉपर धर्म मंत्री जी के घर से 100 मीटर की दूरी पे जो हॉस्पिटल है उसका अगर ये हाल है तो बाकी हॉस्पिटलों का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कैसा हाल होगा। मैं मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि हमारे धर्मपुर के हॉस्पिटल को इन्होंने 50 बेड का हॉस्पिटल आज से 1-1.5 साल पहले इन्होंने घोषणा की थी, कैबिनेट में पास भी करवा दिया था, पर अभी तक 50 बेड तो क्या, वहाँ पे एक बेड भी नहीं बना है, नया एक बेड भी रखने की जगह नहीं बनी है वहाँ पे। और जो वहाँ पे आज की डेट में हॉस्पिटल चल रहा है उसमें 6 बेड लगे हुए हैं और 6 बेड में भी औरतें और आदमी दोनों एक ही कमरे में सब दाखिल हैं। ये देखो आप, मैं कहता हूँ कहीं दुनिया में नहीं होगा ऐसा कि महिलाएं और पुरुष एक ही वार्ड में दाखिल। यही एक नई इन्होंने कार्ड गड्डी है, नया ही एक सिस्टम बना दिया कि एक ही वार्ड में महिलाएं और पुरुष एक ही वार्ड में इलाज कराएं। आप बताइए कि अगर महिला के कहीं पट्टी होनी है, कुछ उसके इलाज होना है, तो वो औरतों के वार्ड में होना चाहिए, ना कि दोनों के वार्ड में इस तरह की जो इलाज हो रहा, तो कैसा इलाज होता होगा वहाँ पे तो कोई पर्दा भी नहीं है कि पर्दा जैसे आम हॉस्पिटल में होता है कि कैसे घुमा देते हैं, खुद पर्दा हो जाता है अंदर, तो वहाँ तो पर्दे का भी सिस्टम नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 50 बेड का आपने हॉस्पिटल बना दिया, घोषणा करवा दी, उस बात को आज 1 साल हो गया, अभी तक एक बेड भी नहीं लगा वहाँ पे। मैं पूछना चाहता हूँ कि कब लगेगा ये, कब होगा ये 50 बेड का? और जब 50 बेड का नहीं होता, कम से कम जो वहाँ पे आल लेडीज रह रहे हैं उनका तो इलाज ठीक से हो जाए। कोई वहाँ टेस्ट नहीं होता है, कोई वहाँ पे किसी भी तरह की किसी को इलाज के आगे रेफर कर देते हैं किसी बात के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि मंत्री जी अपने काम ढंग से कर रहे हैं, उनका कोई इरादा नहीं है कि कोई मैंने अपने एरिए में कोई थोड़ी बहुत ही प्रोग्रेस हॉस्पिटल वाइज करनी है। कांग्रेस के राज में मंत्री जी एमएलए होते थे, तब उन्होंने सबसे पहले ट्रोमा सेंटर होना चाहिए। आप उसको 5 साल हो गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, ट्रोमा सेंटर की अब बात खत्म होगी क्या? ट्रोमा सेंटर क्या खुद नहीं बना सकते थे? इतना बड़ा एरिया है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, ट्रोमा सेंटर तो मस्त था। और मंत्री जी ने 5 साल में क्या किया, ये सोच के हैरानी होती है कि जो जब कांग्रेस सरकार होती है तो शोर मचाते हैं कि ये होना चाहिए। आप 5 साल में आपने क्या किया? एक तो बता दो कि एक आपने अच्छा काम किया, एक हॉस्पिटल बनाया आपने, जहाँ भी आपने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोले वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, प्रार्थना में गया मैं वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, ताला लगा हुआ है, काम कोई करना नहीं है, बस शोर मचाना है, राजनीति करनी है, आना है बस, अभी फिर आप जोड़ेंगे पैर पकड़ेंगे लोगों के और बन जाएंगे नेता। शर्म आती है भाई साहब ऐसी बातें सोच के कई बार ना।